जय हिंद साथियों, नमस्कार। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आप जैसा कि जानते हैं, देखिए यहाँ पे NTPC एंड ग्रुप डी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है सूचना, इसलिए आप जरूर इस सूचना को देखें। सबसे दिक्कत की बात है कि 14 फरवरी को एग्जाम डेट, ये चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। इस दिन NTPC CVT 2 का एग्जाम डेट दिया गया है रेलवे के द्वारा। ये देखिए 23 फरवरी ग्रुप डी के लिए दिया गया है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा संकट आ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा से करें, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है जब तक कि ऑफिशियली रेलवे नहीं घोषित करता है। दूसरी बात बता दें, जो भी वायरल हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विचारणीय है कि 14 फरवरी को जब चुनाव होगा तो आपका एग्जाम का चांस बहुत कम है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आया है। जब 23 फरवरी को चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषणा कर दी है, तो रेलवे का एग्जाम कैसे संभव है, आप ही बताइए। चूँकि रेलवे किसी राज्य सरकार की नहीं है, वह केंद्र गवर्नमेंट की एग्जाम है, उसमें सभी जगह सेंटर दिया जाता है, इसलिए विचारणीय हो सकता है। फिर भी आप लोग अपने तैयारी में अच्छा तरीका से लगे रहें, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, उसमें कोई कोर कसर न छोड़ें, समय बहुत कम है। यदि दूसरी बात बता दें, कल सुबह हम चर्चा करेंगे टोटल रेलवे को लेकर, यानी कि ग्रुप डी और NTPC के लिए सुबह में चर्चा करेंगे, बहुत ज़बरदस्त चर्चा किया जाएगा। यदि आपका अंक नहीं बढ़ रहा है, आप डेली टेस्ट लगा रहे हैं, किसी कारण से आपका नंबर में इजाफा नहीं हो रहा है, आप 2 माह से दे रहे हैं टेस्ट लेकिन अंक नहीं बढ़ रहा है इसको। और दूसरी बात बता दें, CVT 2 में 70+ यानी कि 75 तक लाने की एक मैं अचूक उपाय आप लोगों को बताऊंगा, जो बहुत ही कम समय में आप अपना कर ला सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए भी मैं आप लोगों को कुछ बुक बताऊंगा, और किस तरीका से आप पढ़िएगा कि आपका अंक 70+ रहे, अर्थात 75+ तक चला जाए। दूसरी बात बता दें कि आप लोग जानते हैं और सब लोग डेली पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ते हैं, फिर भी अंक नहीं बढ़ता है। किसी का 1 माह में मात्र 3 ही अंक बढ़ता है। यदि आज उसका 55 आ रहा है तो 2 माह से टेस्ट मार रहा है, फिर भी 60 नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा जो कि आपका यदि आज 55 आ रहा है तो मात्र 7 दिन ऐड कीजिएगा, और 7वां दिन आपका 60 हो जाएगा। फिर आपका 60 आ रहा है, इसमें मैं 7 दिन का कुछ बताऊंगा, कुछ क्या, मैं एक टॉपिक बताऊंगा कि इस टॉपिक से आप अच्छा से अध्ययन करें जो बार बार पूछा जाता है, या कुछ बुक बताऊंगा, उसमें फिर 7 दिन आप बढ़िएगा तो आपका 65 आ जाएगा। केवल मेरे बताए अनुसार यदि आप 1 महीना काम करते हैं और आपका यदि 50 अंक आ रहा है तो आपका 75+ आने लगेगा मात्र 30 दिन में। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए फिर एक बार सुन लें कि 14 फरवरी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, और 23 फरवरी भी अटपटा लग रहा है, जो कि ग्रुप डी के लिए और NTPC CVT 2, और आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है कि कब एग्जाम रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप जानते हैं कि 15 को देना है, लेकिन आज सुबह से कुछ वायरल हो रहा था, उस सब पर चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। जब तक रेलवे कुछ नहीं घोषित करे तब तक हम लोग कुछ ध्यान नहीं करेंगे। कल सुबह मेरे साथ आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे, 9 बजे से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से रेलवे में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, और सारा चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यदि आप रेलवे के स्टूडेंट हैं, ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आपका कोई प्रश्न होगा तो आज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो कल उस प्रश्न को मैं शामिल कर लूँगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो, बुक से लेकर या साइंस को लेकर या मैथमेटिक्स को लेकर या रीजनिंग को लेकर या अंक कम आ रहा है उसको लेकर या सेट कैसे लगाएं उसके लेकर, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या को मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा उपाय रखूँगा जिसको आप अपना कर बहुत ही साधारण तरीका से उस दुख और दर्द से बाहर निकल सकते हैं, और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं, और रेलवे में फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।